जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। मित्रों, आप देख सकते हो मैंने अड़वी का पत्ता लिया है। अड़वी के पत्ते की हम मसाला बाटी बनाने वाले हैं। तो मित्रों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। ये पत्ते में जो जो डालेंगे, जैसे बनाएंगे, पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत ही सुपर गार्लिक मसालेदार होगी। तो बनाने का तरीका शुरू करते हैं। पत्ता मैंने अच्छे से कट कर वाड़ी में से कट करके ले लिया है। मैंने छोटा सा गार्डन बनाया है घर पे। ये तो सब्जियां मैं घर पे ज्यादा उगाती हूँ, तो मैंने ले लिया है। तो अच्छे से वॉश कर लिया, बारीक बारीक कट कर लूंगी। बाद बनाने का तरीका शुरू करेंगे। मसाला बाटी गार्लिक दाल मैं जैसे कट कर रही वैसे आपको दिखाई देती हूँ। आप बोलोगे दीदी ने दिखाया नहीं, तो देखिए ऐसे पान लेने हैं। पान को अच्छे से ऐसे रोल बना देना है। ये नस हो तो निकाल देना, लेकिन हमारे पास ये नस वाले नहीं, एकदम कोने थे, इसलिए मैंने नस नहीं निकाला है। देखिए ऐसे कर देना है। बाद में बारीक बारीक ऐसे कट कर लेना है, थोड़े इधर से थोड़े इधर से। बहुत ही बढ़िया एकदम चूरा बना देंगे। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने मस्त पान कट करके रेडी कर दिए। मैंने हरा धनिया लिया है, तीखी वाली मिर्ची दो लिया है, 10 से 15 लहसुन की करी लिए। हम खाने के अंदर फूट देंगे। मसाले कुछ भी नहीं डालना है, जैसे कूटना है हमें। देखिए मैंने दर दरा कूट दिया है। मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरा। बेसन का आटा डाल रही हूँ 2 चम्मच। आटे के अंदर हम रेगुलर मसाला करते हैं वो करेंगे। नमक डालूंगी सबसे पहले, आधी चम्मच। धनिया जीरा 1 चम्मच। तीखी वाली मिर्ची डालूंगी 1 चम्मच। हल्दी डालूंगी आधी चम्मच। अमचूर पाउडर डालूंगी आधी चम्मच। तिल डालूंगी 1 बड़ी चम्मच। अजवाइन डालूंगी, इतना अजवाइन लेना है, आधी चम्मच से थोड़ा कम। हाथों से अच्छे से मचोड़ दूंगी। मिर्ची लहसुन धनिया की पेस्ट डालूंगी बड़ी 2 चम्मच चाहिए। तेल डालूंगी। ये हम मारवाड़ी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैंने सरसों का तेल का उपयोग किया है। तो बड़ा 2 चम्मच तेल डालूंगी। आटे को अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गूंदेंगे। आटे को मैंने अच्छे से मिला दिया, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी किया है। एकदम आटे को टाइट बांधना है हमें। थोड़ा सा ऐसे मिलाने के बाद, थोड़ा सा पहले पानी डाला, मसाला डाले, अच्छे से मिला दिया। अब डालेंगे हम अड़वी के पान। सारे डाल देंगे। अब पानी डालना नहीं है, अड़वी के पान डालने के बाद पानी हमने डालेंगे और अच्छे से आटे को मिला देंगे। आटे को मैंने बढ़िया सा मिला के रेडी कर दिया है। तो हम आटे का रोल बनाएंगे। देखिए मस्त आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो हम रोल बनाएंगे आटे का।
रोल हो गया रेडी। पतीलियाँ के अंदर पानी मैंने गर्म रखा है, पानी गर्म हो चुका है, मैंने छाननी रखा है, हमारा ये रोल रख देंगे, थाली ढक देंगे। 15 मिनट हो चुका है, चेक करते हैं। रेडी हो चुका है, गैस बंद कर देंगे, ठंडा पड़ने देंगे। रोल हमारा थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है तो हम कट करेंगे। एकदम बहुत ही सुपर है ये, देखिए सारे ऐसे कर लेंगे, फिर सेलो फ्राई करेंगे। मित्रों आप देख सकते हो मैंने बढ़िया सा कट करके रेडी कर दिया। मित्रों मैं 2 जन के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ा कम है, आप ज्यादा भी ले सकते हो। कोई भी एक तवा ले, तवा के अंदर मैं सरसों का तेल डालूंगी, 4 चम्मच इतना मैं तेल डाल रही हूँ। मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने सरसों का तेल का उपयोग किया, थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है इसलिए ठंडे मौसम के अंदर सरसों का तेल बहुत बढ़िया रहता है। आज के वीडियो मित्रों मेरी ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत सुपर होगा। तो हम एक एक करके देखने के लिए रख देंगे। आप पूरा वीडियो देखते हो तभी खाना बनाने का आपको मालूम पड़ेगा कैसे बनना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो आप अच्छे से देखोगे तो रेस्टोरेंट जैसा खाना बना सकते हो घर पे। अच्छे से पकाएंगे एक तब फिर उठाएंगे। मेरे मायके में एकदम मास्टर लिया खाना बनाने की सबको, राजस्थानी खाने में। जैसे हम ऐसे उल्टा रहे हैं तो मैंने भी सीख लिया, कभी मम्मी से सीखा, कभी दादी से सीखा, नानी से सीखा, सबसे सीखा, लेकिन खुद का तरीका कुछ अलग होता है। इसलिए मैं मेरे तरीके से अलग अलग नई नई वीडियोस बनाती हूँ। आप भी बनाओगे आपको भी मजा आएगा। छोटे बच्चे को साथ ऐसे ही बना के दे दो कि बिना दाल को तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये दाल के साथ बहुत सुपर लगता है हमारी दाल। आपको आगे दिखाते हैं बाटी अच्छे से, दोनों तरफ से देखेंगे। रेगुलर गेंको आटे की बाटी हमारे घर पे राजस्थान में बनता है, लेकिन कुछ हटके और कुछ नया बनाना है इसलिए मैंने ये आलू के पत्ते वाले ट्राई किया। मैंने एक बार बनाया, बहुत सुपर बना था, इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक करना। मित्र आप देख सकते हो हमारी बाटी मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पका के रेडी कर दिया है। तो चलिए हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है तो एक हम बाटी को निकाल देंगे छाननी के अंदर। गार्लिक मसालादार रेडी करते हैं फटाफट, सारी बाटी में निकाल दूंगी इसे, खाने वाली छाननी में निकालूंगी, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। वही तेल के अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी, मस्त मिर्ची हो गई रेडी। मित्र मैंने दाल ये बना के रख दिया है पहले से, और गार्लिक चिली मसाला करूंगी वगैरह, वो आपको मैं दिखाऊंगी। पहले एक वगार से दाल बनाई हुई है, ये उड़द की दाल है, हम राजस्थानी लोग उड़द की दाल ज्यादा खाते हैं। तो दाल को अच्छे से उबाल लाने के बाद हम वगार करेंगे। दाल रेडी हो चुकी है, वगार करेंगे। मैंने वगारिया के अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल गरम रखा है, आप चाहे घी या बटर भी ले सकते हो। मैं आज एक बढ़िया सी टिप दूंगी आपको, आपके घर पे गेस्ट आने वाले, मेहमान आने वाले, आपको कुछ अच्छा खाना हो तो पहले से दाल चावल जो भी बनाना है वो बना सकते हो। बाद में हम जैसे तड़का बनाते हैं तड़का एक बार बना के डाल देना, आपका खाना आलिशान बन जाएगा। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम गार्लिक डाल देंगे। मस्त एकदम लाल बनाएंगे हम लहसुन को। लहसुन हो गया एकदम बढ़िया सा रेडी, गैस को बंद कर देती हूँ।
हिंग डालूंगी, और ये कश्मीरी चिली, थोड़ा सा अगर मैंने बचाया है तो थोड़ा सा हरा धनिया, गार्लिक मसाला, दाल रेडी हो चुकी है। चलिए सर्व करते हैं। सबसे पहले मैं दाल निकाल दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया हमारा अगर, बाटी रख रही हूँ। इतना इतनी सुपर बाटी बनी है, नहीं बहुत ही सुपर है। मैंने मसाला चिली वाला सलाद बनाया है तो वो ले लेंगे। प्याज और टमाटर है, कच्चा प्याज और टमाटर। हमारी तरी हुई मिर्ची, तो आज का खाना मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया तो वो करना, आगे बढ़ाना। मित्रों आपके लिए मैं रोज रोज नया नई रेसिपी लेके आऊंगी। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के बनाइए, खाइए, खुश रहिए।